उत्तराखंड के दुमका विधानसभा में जनसभा की है, जिसमें उन्होंने आदिवासी समुदाय को फिर से आश्वस्त किया है कि यूसीसी का कोई भी असर आदिवासियों पर नहीं होगा। उन्होंने इसको लेकर जेएमएम और कांग्रेस पर अफवाह फैलाने का भी आरोप लगाया है। इसके साथ ही गृहमंत्री ने झारखंड में घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमले किए। अमित शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस अनुच्छेद 370 कश्मीर से हटाना चाहती है। जेएमएम और कांग्रेस ने घुसपैठियों को संरक्षण दिया, जिस कारण से यहां के आदिवासियों की भूमि और जनसंख्या दोनों कम हो रही है। वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को घुसाकर आदिवासियों की भूमि और जनसंख्या दोनों कम करने का काम किया है, कम करने का। हेमंत जी, आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है, कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार। मैं झारखंड के आदिवासी ओबीसी दलितों को बताने आया हूं, झारखंड में एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हमारे सोरेन और सुरेश मुर्मू को जिता दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम।